तो ये है बाहर से कुछ नजारा इस दीघा रेलवे स्टेशन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हमको बहुत पसंद आया और आप लोग को भी पसंद आएगा। भाई देखिए लाइव प्रमोशन हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है वापस से आपका एक और नई वीडियो में। गाइज अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल में और आज का वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दीघा बीच, जो कि वेस्ट बंगाल का बहुत ही प्यारा सा एक समुद्र का बीच है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मैं अभी बेसिकली खड़ा हूँ एक मानिक टोला में, एक स्टेशन है जिसका नाम है शहीद मतिंगिनी, और यहाँ से मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा दीघा तक के लिए। तो इस जर्नी में आप इंजॉय करेंगे कि रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस पड़ती हैं, आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल सकती है इस वाले वीडियो में। इसके अलावा जो भी रास्ते में दिखेगा मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, और वहां पे पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं कि दीघा बीच है और वहां का जो समुद्र का किनारा है वो कैसा दिखता है। तो आप इंजॉय करिए इस वीडियो को। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन में हम बोर्ड करेंगे, इससे जाने वाले हैं दीघा। तो फटाफट से इसमें बोर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ चल के कि रास्ते में क्या क्या लोकेशन पड़ेंगी। हमने आप देखिए एक वेंडर है ये सेल कर रहे हैं चना मिक्सर। तो गाइस आप देखिए ये है चना मिक्सर, अगर आप वेस्ट बंगाल आते हैं तो आपको ट्रेन में ये सारी चीजें मिल सकती है खाने के लिए। तो दादा कैमरा से हेलो। तो गाइस हमारी ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप पड़ा है तमलुक, और सामने आप देखिए इंडिया का बहुत ही प्यारा सा फ्लैग लगा हुआ है। स्टेशन पे आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी आजकल, क्योंकि क्या है ना कि इस टाइम पे जो जॉब करने वाले हैं वो जॉब करने चले जाते हैं। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ, अगर आप वेस्ट बंगाल की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो आप देखिए आपको ऐसी चीजें खाने के लिए मिल सकती है। दादा ये क्या है? आमला तो गाइस अभी मैंने ये परचेज किया है, वैसे आमला ही है, उबला हुआ आमला है। तो गाइस ये आमला मैंने परचेज किया है 10 रुपए के 3 पीस में, और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल सकती है। इसे क्या बोलते हैं? छोला, छोला बादाम चॉकलेट इसे कैंडी बोलते हैं। दादा इसे क्या बोलते हैं? ये जो सामने रखा है इसे चीड़े, चीड़ा भाजा। तो गाइस देखिए मैं भी थोड़ी बंगाली समझने लगा हूँ यहाँ की। सामने की तरफ आप देखिए चारों तरफ आपको बहुत सारी हरियाली दिख रही होगी, और आपको दिखेंगे बहुत सारे यहाँ पे नारियल के पेड़। तो गाइस ये मैंने अभी परचेज किया था एक आमला, जो कि अभी आपने पीछे वीडियो में देखा होगा। बारहसिंघा क्या? बारहसिंघा हाँ। देखिए गाइस भाई हमारे वीडियोस देख रहा है, कैसा लगा ये वाला वीडियो? कैसा लगा भाई साहब ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हमको बहुत पसंद आया और आप लोग को भी पसंद आएगा। देखिए लाइव प्रमोशन हो रहा है। तो भाई आजकल जो एक गाना है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, कच्चा बादाम, वैसे ये कच्चा आमला। तो कच्चा आमला का भी हो सकता है कोई नया गाना आ जाए, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे कौन कब पॉपुलर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले आपने देखा होगा रानू मंडल है, वो अचानक रातों रात एक सिंगर में फेमस हो गई, वैसे अभी हमारे एक कच्चा बादाम वाले चीचा आए हैं। तो चीचा ने चीचा के साथ आई थिंक मैंने कोई एक गाना भी देखा है, हरियाणवी एक सॉन्ग है जो चीचा ने किया है। एंड गाइस एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अब तक की हमारी यूट्यूब जर्नी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है आप लोगों का, क्योंकि जब बन के सब्सक्राइबर हुए थे तभी मैंने प्लान किया था कि मैं जाऊँगा एक वेस्ट बंगाल की वीडियो सीरीज पे, जिससे आपको मैं एक डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन दिखा सकें। तो आई होप आपको इस सीरीज में मजा भी आ रहा होगा। लेकिन गाइस दिल से थैंक यू सो मच अब तक इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे वीडियोस को, और ऐसे अगर आप प्यार देते रहे तो और आने वाले टाइम में आपको और बड़ी बड़ी सीरीज देखने को मिलेंगी। हो सकता है मैं आने वाले टाइम में एक उत्तराखंड की ट्रिप करूँ, जिसे हम अपनी चार्ली के थ्रू करेंगे। चार्ली तो अभी हमारी घर खड़ी है, बेसिकली हम तो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। इस स्टेशन का नाम है कांथी नाम है। केवन आशे खूब आलो कोसा जावे रामनगर से दीघा कितने दूर है?
तीन स्टेशन में, तब तो पास नहीं जा रहे हो आप। तो गाइज, अपनी इस अमेजिंग वेस्ट बंगाल वाली वीडियो सीरीज में बहुत सारे मैंने बंगाली वर्ड सीख लिए हैं। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे कोथा जाबो। और अगर मैं किसी से मुझे अगर पूछना है कि कैसे हो, तो उससे मुझे पूछना है क्या मनाशो, जो कि आपने हमारे वीडियोस में देखा भी होगा, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी है। और अगर किसी से पूछना है क्या करते हो, तो उसे मैं बोलूँगा को क्या कर छो। देखिए, ये है अमेजिंग बात इस बंगाली लैंग्वेज की। देखिए गाइस, केले के पेड़। और एक बात और मैं बताऊँ यहाँ के बारे में, सबसे आप केले के पेड़ सबसे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे आपको बहुत सी वैरायटीज के केले मिल जाएंगे। जैसे कि आपको 5-6 तरीके के तो मैंने देख लिए, इतने बड़े केले मिलेंगे, छोटे से इतने बड़े मिलेंगे, इतने बड़े मिलेंगे। इसके अलावा कुछ केले आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पपीते के जो बीज होते हैं ना, उस टाइप के उसके अंदर बीज निकलते हैं केले के अंदर। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए किसने किसने वो केले देखे हैं जिसके अंदर केले के अंदर बीज निकलते हैं। मैंने तो पहली बार देखा लाइफ में। ये है अमेजिंग वेस्ट बंगाल, अनएक्सप्लोर्ड वेस्ट बंगाल। देखिए गाइस, पीछे एक ब्रिज है और ब्रिज में सामने आप देखिए एक अंकल जी खड़े हुए हैं, मास्क धरा कर रहे हैं। मास्क धरा बेसिकली बोलेंगे फिशिंग को, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मास्क धरा बोलते हैं। तो आप देखिए सामने वो अंकल जी हैं, वो मास्क धरा कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। पूरा एक जंगल सुपारी के पेड़ का, तो हम लोग सुपारी खाते हैं वो इन्हीं पेड़ों पे लगती है, यहाँ से तोड़ते हैं, इतना बड़ा सा एक इसका फल निकलता है, उसे तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे छोटे उन्हें पीस करके वही मार्केट में सेल होता है। देखिए गाइस, वो सामने आपको दिख रहा है, ये सुपारी का पेड़, जो कि वेस्ट बंगाल में सुपारी भी काफी ज्यादा होती है, आपको नारियल के पेड़ भी बहुत सारे दिखते हैं। तो गाइस आप देखिए, ये है दीघा का रेलवे स्टेशन, और पीछे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो होटल्स में आप स्टे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अभी एक्सिट करता हूँ, एक्सिट करके आपको बाहर से दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं, क्या ये जगह है। नहीं, टोटो नहीं लगेगा, पैदल पैदल जाएंगे। नहीं, होटल नहीं, हम दीघा बीच जा रहे हैं तो हमें होटल जाना ही नहीं है। तो गाइस, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑटो, ई रिक्शा वाले। तो बेसिकली वो जो टोटो बोल रहे थे, यहाँ पे जो ई रिक्शा होता है उसे टोटो बोला जाता है। देखिए गाइस, कितनी सारी भीड़ है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आप मास्क जरूर पहनिए अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं। तो ये है बाहर से कुछ नजारा इस दीघा रेलवे स्टेशन का, और वहां से हमें एक्सिट करना है, और एक्सिट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं चल के बाहर क्या है। तो स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारे यहाँ पे रिक्शा वाले दिख जाएंगे, जो आपसे बोलेंगे कि चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, होटल जाना है या फिर बीच जाना है। बेसिकली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा। तो मैं तो इतनी छोटी थी, तो गाइड मैं तो इतनी कम दूरी के लिए पैदल ही प्रिफर करता हूँ जाना, क्योंकि पैदल जाते हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो अभी हम तो जाते हैं, रास्ते में देखते हैं और क्या क्या है जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गाइड एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर क्या है ना, कि ये टूरिस्टिक प्लेसेस है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स दिख जाएंगे। आप पीछे देखिए कितना बड़ा सा एक होटल है, जस्ट उसके सामने भी एक होटल बना हुआ है। तो यही है कि यहाँ पे होटल्स की कोई कमी नहीं है, अगर आप नाइट स्टे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सामने आपको जो एक रास्ता दिख रहा है, ये भी जाता है दीघा का जो बीच है वहाँ पे, लेकिन मैं अभी आपको एक अलग लोकेशन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको दिखाने के लिए एक स्पेशल चीज़ वहाँ पे है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं चल के, उसके बाद चलते हैं दीघा बीच के ऊपर। तो गाइस आप देखिए, ये है वो तिराहा जहाँ से मुझे दीघा बीच के लिए जाना होगा। और गाइस आप सामने देखिए, यही है वो सरप्राइज आपके लिए। बेसिकली ये घास से बनाई हुई एक मूर्ति है, और देखिए कितनी प्यारी लगती है यहाँ से देखते हैं। और उसके साइड में आप देखिए, यहाँ पे कुछ हंस हैं वो भी बनाए गए हैं। अभी जो आपने पीछे एक ग्रीन मूर्ति देखी थी, सामने बनी हुई है। तो काफ़ी प्यारी लोकेशन है, आप देखिए बहुत से लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। बेसिकली इस मार्केट का नाम है दीघा बाजार, और इस वाली रो में आपको चारों तरफ मार्केट ही दिखेंगे, और आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे होटल्स। गाइस